अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन अलैहि सलाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, नाम लारिब हुसैन उर्फ हाशमी, आरोप बस कंडक्टर पर जानलेवा वार, हिंदू बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला किया। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाले लारिब हाशमी नाम के बीटेक के इस छात्र को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हाशमी अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था, जिसमें कई पाकिस्तानी मौलाना भी हैं। उसके मोबाइल के सर्च हिस्ट्री में ज्यादातर लिंक जिहादी चरित्र के मिले हैं। लारिब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। इसके आतंकी कनेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वारदात को अंजाम देने के बाद लारिब हाशमी ने खुद वीडियो बनाया था। उसके घर से मिले कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव और चिप को भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। उसके और परिवार के दूसरे लोगों की बैंक पासबुक की भी जांच शुरू की गई है। UPATS और IB ने अपने स्तर पर जांच और पूछताछ शुरू कर दी है। हाशमी के कुछ करीबी लोगों से भी पूछताछ हो रही है। कॉलेज प्रबंधन ने हाशमी को फिलहाल निलंबित कर दिया है और उसके निष्कासन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में चलती बस में लारिब हाशमी ने बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला कर दिया था। हमले के बाद युवक बस से उतरकर भाग गया। घायल बस कंडक्टर को तुरंत प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कल तक जो है हरिकेश की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल आज बताया जा रहा है कि वो बोल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीटेक के छात्र लारिब हुसैन उर्फ हाशमी ने हमला किया चापड़ से और उसके बाद उसे घायल कर दिया, और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बयां भी करता है कि जिस तरीके से बीटेक के छात्र ने हमला करने के बाद एक वीडियो भी जारी किया और उसके बाद उसमें वीडियो में तमाम तरीके की वो विवादित अपने बयान दे रहा है, तो ये भी होता है कि उसकी मनसा भी कहीं ना कहीं कुछ और है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने कल उसके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद लारिब हाशमी उर्फ हुसैन के पैर में गोली भी लगी थी और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बातचीत कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि लारिब हुसैन उर्फ हाशमी का क्या बैकग्राउंड है, आखिर क्या उसकी मानसिकता थी, क्यों उस तरीके से उसने हमला किया, क्योंकि अभी भी जो हरिकेश है वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ ही जो है एक और कंडक्टर जो है उसको भी एक मामूली चोट आई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी तेज कर दी है। अपने सहयोगी सिमौरिया के साथ विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ, नव भारत, प्रयागराज। जांच में ये बात सामने आई है कि बीते 8 महीने से सुबह 4 बजे तक लारिब जिहादी वीडियो देख रहा था। लारिब ने 2 महीने में सबसे ज्यादा वीडियो पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के देखे थे। मौलाना की तकरीर सुनकर लारिब पाकिस्तानी शब्दों का हूबहू इस्तेमाल करने लगा था। पुलिस ने जब आरोपी लारिब को गिरफ्तार किया तो घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए उसे अपने साथ ले गए। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल आरोपी को प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।